टू टू के बाद 6 8 का आंसर की जारी हो चुका है सर और सिक्स एट में भी बहुत सारे छात्र क्वेश्चन को लेकर कह रहे हैं कि ये नहीं ये होना चाहिए आयोग का ऑप्शन गलत है तो कुछ कहते हैं कि हमारा सही है एनसीईआरटी से मिलाए हैं तो गूगल से मिलाए हैं क्या कुछ बोलिएगा सर एंसर की में मेरा कहना है कि जैसे आयोग आपको मौका दे रही है हुँ. के आंसर की जारी की है अगर आपको इस पर आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दे सकते हैं और उसके लिए एक ऑथेंटिक सोर्स जो या बिहार सरकार जो अपनी बुक चलाती है उससे या एनसीईआरटी का बेस बना करके आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं अब देखते हैं कि पांच ऑप्शन आपका रहता है ऑब्जेक्टिव में पांच ऑप्शन रहता है उसमें ई ऑप्शन जो है समझिए एक तरीके से बहुत सारे वैसे प्रश्न मिलते हैं कि वो आयोग को सुरक्षित करता है कि अगर इधर से संतुष्ट नहीं हुआ तो आयोग अपने तरफ से एक ही ऑप्शन आपको दे सकती है कि भी कि मे ये आंसर होगा और कई बार लगातार देखा गया है इस चीज को अभी भी आप मैथ में ही देख लीजिए मैथ में तो लगभग दो से तीन प्रश्न मैथ में और दो पेपर दो प्रश्न लगभग साइंस में है जो की थोड़ा सा विवाद उत्पन्न कर रहा है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मैथ साइंस एक में ही है अस्सी मार्क्स में दोनों है टोटल लेकर तो पांच छह प्रश्न हो जाए लगभग उसमें तीन से पांच प्रश्न मान सकते हैं उसमें इस तरह के हैं कन्फ्यूजन hmm. वाला एक तो मैथ में निश्चित रूप से है जिसको कि आयोग ई ठहरा रही है अगर उसको थ्री पॉइंट वन फोर लेकर के लिया जाए लेकर तो मिल जा रहा है उसमें ई ऑप्शन चला जा रहा है और आयोग ई ऑप्शन दी है इस तरह के प्रश्न लगभग हैं और इसी तरीके से आप हिंदी में देख लीजिए एक दो क्वेश्चन वहां कन्फ्यूजन है एसएसटी में एक दो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो मैक्सिमम स्टूडेंट का मार्क्स कुछ ना कुछ घटा है Uh, किसी का दो मार्क्स घटा किसी का तीन मार्क्स घटा किसी का पाँच सात मार्क्स भी घट गया डिपेंड करता है कि आप जहाँ से भी मिलाए हुए हैं वहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन उसके आधार पर आप कितना सही कर रहे थे और एक्चुअल में कितना अभी सही हो रहा है तो पहले तो ऑथेंटिक सोर्स से जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि नहीं कुछ स्टूडेंट मेरे पास आए सर चौदह मेरा घट गया तो आरे घट गया इतने इतने का का अंतर अंतर हो रहा इतने है इतने है पूछे कि स्टूडेंट एक्चुअली से मिला है, वो वही जानेंगे अगर आपको ऐसा लगता है ठीक है आठ क्वेश्चन दस क्वेश्चन घट रहा है तो आप एक्चुअल में मिलान कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन में आपको डिफर लग रहा है और उसके ऑथेंटिक सोर्स पे जाइए अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऑथेंटिक सोर्स सही है निश्चित रूप से आप गलत है लग रहा है कि नहीं ऑथेंटिक सोर्स सही है और आयोग का आंसर गलत है उस पर आप दावा आपत्ति कीजिए इसमें कहीं कोई तरह का अनिश्चितता वाली बात नहीं और बहुत छात्र समझते हैं कि नहीं हम नहीं भी करेंगे दूसरे छात्र कर देंगे उससे मेरा काम चल जाएगा तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से आप अलग अलग आपत्ति व्यक्त कीजिए और हो सकता है कि आप ही सोच के दूसरे छात्र मिल जाए तो उस समय आपके साथ परेशानी हो जाएगी सर कट ऑफ जैसे आप कह रहे हैं कि चौदह चौदह अंग छात्र कह रहे हैं कि मेरा कम हो जा रहा है मिलाए हैं तो जैसे यूट्यूब से लोग मिलाते हैं आप लोग एनालिसिस करवाते हैं वहां से छात्र मिलाते हैं अभी जैसे आंसर की आते हैं आयोग के चौदह नंबर दस अंक अगर कम होते हैं तो हर सब्जेक्ट पे तो असर पड़ेगा सर और हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं छात्रों को दो चार प्रश्नों में आपत्ति है सर लगभग जो अच्छे छात्र हैं तो दो से तीन सवाल लगभग डाउन हुए हैं मैक्सिमम छात्रों के तो जो फाइनल कट ऑफ भी इसी हिसाब से प्रभावित होता है कि जो भी फाइनल कट ऑफ आप बताते हैं आप एक अनुमानित कट ऑफ देते हैं अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो एक दो नंबर का फ्लक्चुएशन संभव है कोई मतलब बड़ी जो बात कट नहीं। आप लोग दे रहे थे उससे दो चार पांच नंबर अब कम ही जाएगा ने ने, जाए। उतना जाएगा ज्यादा नहीं। नहीं उतना एक दो मार्च का वेरिएशन संभव एक दो मार्च का वेरिएशन संभव है बहुत ज्यादा अपनी बात से इधर उधर नहीं बांटेंगे देखना ये होता है ना कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो रहे हैं और सबसे ज्यादा सिक्स टू एट पर ही प्रेशर रहता है आप यूँ समझिए ना कि जो डीएलएड किए हैं वो भी सिक्स टू एट का फॉर्म भरते हैं जो बीएड किए हैं वो भी सिक्स टू एट का फॉर्म भरते हैं इस लेकर के जितनी वैकेंसियाँ हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म भरे हुए हैं कितने अपियर हुए हैं आप देख लीजिए मल्टीपल टाइम्स में आपको कैटेगरी बाय कैटेगरी अंतर पड़ जाएगा कि इस सबसे ज्यादा मान लीजिए कि यू आर मेल में स्वाभाविक है कि वहाँ पर प्रेशर सबसे ज्यादा है और नीचे जैसे जैसे आएंगे एस टी मेल एस टी फीमेल बी सी मे ई बी सी मेल ई बी सी फीमेल ई बी सी के नीचे जितने भी कैटेगरी हैं वो ज्यादा राहत महसूस करते हैं इसलिए गैप दायरा भी आपका जनरल मेल से लेकर के एस टी मेल के बीच में देखेंगे पच्चीस से तीस नंबर का गैप हो जाता है है। कारण यही सब होता है सर पीआरटी में कहा गया कि दो से पांच तक समय है और सिक्स टू एट में देखा जा रहा है कि दो से आठ तक समय दिया गया है सब्जेक्ट ज्यादा होने की वजह से क्या कुछ है? नहीं नहीं सब्जेक्ट ज्यादा होने की वजह से ही अ, अब आप देखेंगे मैथ और साइंस है एस एस में इतने सारे पेपर है फिर लैंग्वेज में इतने सारे पेपर है ज्यादा होने के वजह से आपको यह दायरा दो से लेकर आठ तक का दिया गया है सर टू टू आ आ आ गया गया और कब तक सकता है जल्द ही आ जाएगा क्योंकि बारी बारी से दी ही जा रही है स्टूडेंट थोड़ा सा अभी अलर्ट मोड में थोड़ा सर्च उर्च करेंगे जाएंगे मेरा यही कहना है छात्रों से कि बहुत परेशान नहीं होना है पिछले वीडियो में भी इस बात को हम रिपीट किए थे कि आपने जो मेहनत करना था आपने किया अपने हिसाब से आपने बेस्ट दिया और हर चीज आपके हाथों में होगी ये जरूरी नहीं है जो भी रिजल्ट पॉजिटिव या निगेटिव होने का रहेगा होगा और आप भी अनुमानित समझते हैं कि हमारा इतना तक स्कोर है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है या कट ऑफ के दायरे से हम बाहर हैं या कट ऑफ के दायरे से हम ऊपर हैं यही चीज होता देखुण है देखुण। तो हर स्टूडेंट को लगभग पता होता है तो जो एक कट ऑफ बताया जाता है अगर उसके इर्द गिर्द आप हैं दो तीन नंबर नीचे दो तीन नंबर ऊपर हैं तो आप होप कर सकते हैं आगे अन्य एग्जाम भी भर रहे हैं तो आप उसके लिए तैयार रह सकते हैं लेकिन अगर ज्यादा का गैप है तो अभी से तैयारी फोर के लिए आपको लगना चाहिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में राय सेक्शन में जरूर रखिएगा आप देख रहे थे